अरे गोलू राम, गोलू राम, अरे एक मिनट, हाँ हटाए कि नहीं हटाए, काम बंद। ये क्या बात है? तू क्या सचमुच काम छोड़ के चला जाएगा तू? अब हम का छोड़ दीजिए मालिक। छोड़ दीजिए माने? हम कहीं लेवर पैदा करेंगे? साला हरामखोर कहीं का कहता है कि ये छोड़ दीजिए, तो ठीक है जा भाग यहां से, लेकिन कान खोल के सुन ले, अब की लौट के आया तो न काम मिलेगा न ठहरने का ठिकाना ही। हमरे भाग में न काम जुटाए न रहने का ठिकाना, और ना ही कभी जुटेगा मालिक। साल भर तो पिसते ही रहते हैं, बस ये एक महीना तो काम नहीं करते। ये बात तो हम तुमको पहले बता दिए थे ना मालिक। कहां कला से रे, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? चोरी डकैती साधुगिरी। बहन, पानी कहाँ से मिला? आसपास कोई कुआं है का? हाँ है, लेकिन बहुत दूर है। कुआं कहाँ खोज रहे हो? डूब के मरना है या पानी पीने है? सबके साथ मजाक किए बिना तो जी नहीं भरता। अरे तुम चाहो तो संग संग डूब मरेंगे, अभी तो सिर्फ पीने को पानी चाहिए। भगवान तुम्हारा भला करे, सुंदर सा दूल्हा मिले तुमको। प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। कहाँ जाना है? नोनपुरा। अरे वो तो अभी बहुत दूर है। हाँ जानता हूँ, रात किसी पेड़ के नीचे बिताऊंगा। नोनपुरा में तुम्हारा ससुराल है क्या? दुल्हन बुलाने जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? घुनुराम। एक और नाम भी है हमारा, बाघ, बाघ बहादुर। अच्छा, असली या नकली? चल चल सीता, बारिश होने वाली है, जल्दी चलना।
तुम लोगों को कहाँ जाना है भाई? अरे नोनपुरा। अच्छा हाँ नोनपुरा, नोनपुरा तो हमका भी जाना है भाई। ये सब क्या चीज है? अबे चूहा। हाँ उस्ताद। भूत सने से दिखता नहीं अंधा है क्या? अरे दिखता नहीं अंधा है कहा? तुम लोग कौन हो भाई? नोनपुरा कहाँ जा रहे हो? आ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियां ढक गई बंधन। आ जा रे परदेसी। आ गए का? हाँ भैया सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम्हारे घर पर सब कैसे? सब ठीक है। अरे कुछ खा के जा रहे? नहीं शिवल चाचा से मिलने के बाद। ठीक है ठीक से मिले का? कौन? रामधारी जी। अरे नहीं भैया अभी अभी तो आए ना। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे। अच्छा उनका बेटा कैसा है गोपीनाथ? ठीक ही है। गोनू भाई पिछले साल कह गए थे बागनाथ सिखा दूंगा, अब भी जरूर सिखा देना। हाँ भैया जरूर सिखा दूंगा। शिवल चाचा। अरे ओ शिवल चाचा। अरे अरे भागना भागना, नहाने भी नहीं देगा। नहाते हुए आदमी को कभी नहीं देखा है क्या? चल चल चल। शिवल चाचा ये गांव में आकर हमारा दिल खुश हो जाता है। यहाँ के लोग हमका जब प्यार देते हैं ना बस जी चाहता है कि ये गांव में। अरे गुनू भाई। अरे हमारा भैया। अरे हम तो सोच रहे थे कि अब की त्योहार खाली ही जाएगा, तुम्हारा नाच देखने को मिलेगा ही। अरे ना भैया इस बार थोड़ी देर हो गई। और सब ठीक? बाघ कब निकलेगा भैया? आपकी हमारे टोले में ज्यादा नाचना होगा। हाँ, जरूर भैया सोचता हूँ आज ही शाम को निकलूंगा। अरे ना 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 आज पूरा दिन आराम, आज बाघ खाएगा और सो जाएगा, कल से नाचेगा। अरे अच्छा भाई बाघ कहलाने से क्या हुआ, आदमी तो है। घर में कोई नहीं है का?
कोई नहीं माने। राधा नहीं दिखाई दे रही, 21 साल में ब्यादी का। अरे नहीं, होगी कहीं, दिन भर तो बेटी घूमती रहती है, उसे अभी मालूम ही नहीं होगा कि तुम आए हो, नहीं तो दौड़ी आती। हाँ ब्याहने लायक तो हो गई है, लेकिन उसे आंखों से दूर नहीं करना चाहता। उसकी माँ मरी तब से ये ढोल और लड़की के सहारे ही तो जीवन बिता रहा हूं, दोबारा शादी करने का मौका ही नहीं मिला। एकलापन नहीं लगता? जब लगता है तो और जोर से ढोल बजाने लगता हूं। अब की तुमसे एक चीज मांगेंगे। कौन चीज? हमारे पास क्या है जो लोगे? ये एक छोटा घर और थोड़ी सी जमीन, जब जी चाहे ले लो। अरे नहीं, उसे भी दामी, बाद में मांगेंगे। अब हुआ तुम्हारे आने? देख कौन आया। राम राम चाचा। राम राम। ए बहन, पानी कहाँ से मिला? आसपास कोई कुआं है का? हाँ है, लेकिन बहुत दूर है। कुआं कहाँ खोज रहे हो? डूब के मरना है या पानी पीना है? सबके साथ मजाक किए बिना तो जी नहीं भरता। अरे तुम चाहो तो संग संग डूब मरेंगे, अभी तो सिर्फ पीने को पानी चाहिए। भगवान तुम्हारा भला करे, सुंदर सा दूल्हा मिले तुमको। प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। कहाँ जाना है? नोनपुरा। अरे वो तो अभी बहुत दूर है। हाँ जानता हूँ, रात किसी पेड़ के नीचे बिताऊंगा। नोनपुरा में तुम्हारा ससुराल है क्या? दुल्हन बुलाने जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? घुनुराम। एक और नाम भी है हमारा, बाघ, बाघ बहादुर। अच्छा, असली या नकली? चल चल सीता, बारिश होने वाली, जल्दी चलना। Ha ha ha!
तुम लोगों को कहाँ जाना है भाई? अरे नोनपुरा। अच्छा हाँ नोनपुरा, नोनपुरा तो हमका भी जाना है भाई। ये सब क्या चीज है? अबे चूहा। हाँ उस्ताद। भूत साले से दिखता नहीं अंधा है क्या? अरे दिखता नहीं अंधा है कहा? तुम लोग कौन हो भाई? नोनपुरा कहाँ जा रहे हो? आ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियां लग गई बंधन। आ जा रे परदेसी। आ गए का? हाँ भैया सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम्हारे घर पर सब कैसे? सब ठीक है। अरे कुछ खा के जा रहे? नहीं शिवल चाचा से मिलने के बाद। ठीक है, ठीक है। जैसे मिले का कौन? रामदारी जी। अरे नहीं भैया अभी अभी तो आए ना। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा उनका बेटा कैसा है गोपीनाथ? ठीक ही है। गोनू भाई पिछले साल कह गए थे बागनाथ सिखा दूंगा, अब भी जरूर सिखा देना। हाँ भैया जरूर सिखा दूंगा। शिवल चाचा। अरे ओ शिवल चाचा। भागना भागना, नहाने भी नहीं देगा। नहाते हुए आदमी को कभी नहीं देखा है क्या? चल चल चल। शिवल चाचा ये गांव में आकर हमारा दिल खुश हो जाता है। यहाँ के लोग हमका जब प्यार देते हैं ना बस जी चाहता है कि ये गांव में। अरे घुनू भाई। अरे राम राम भैया। अरे हम तो सोच रहे थे कि अब की त्योहार खाली जाएगा, तुम्हारा नाच देखने को मिलेगा। अरे ना भैया इस बार थोड़ी देर हो गई। और सब ठीक? बाग कब निकलेगा भैया? आपकी हमारे टोले में ज्यादा नाचना होगा। हाँ, जरूर भैया सोचता हूँ आज ही शाम को निकलूंगा। अरे ना 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 आज पूरा दिन आराम, आज बाग खाएगा और सो जाएगा, कल से नाचेगा। अरे अच्छा भाई बाग कहलाने से क्या हुआ, आदमी तो है। घर में कोई नहीं है का?
कोई नहीं माने? राधा नहीं दिखाई दे रही, एक ही साल में ब्याह देखा। अरे नहीं, होगी कहीं, दिन भर तो बेटी घूमती रहती है, उसे अभी मालूम ही नहीं होगा कि तुम आए हो, नहीं तो दौड़ी आती। हाँ, ब्याहने लायक तो हो गई है, लेकिन उसे आंखों से दूर नहीं करना चाहता। उसकी माँ मरी तब से ये ढोल और लड़की के सहारे ही तो जीवन बिता रहा हूं, दोबारा शादी करने का मौका ही नहीं मिला। एकलापन नहीं लगता? जब लगता है तो और जोर से ढोल बजाने लगता हूं। अब की तुमसे एक चीज मांगेंगे। कौन चीज? हमारे पास क्या है जो लोगे? ये एक छोटा घर और थोड़ी सी जमीन, जब जी चाहे ले लो। अरे नहीं, उसे भी दामी, बाद में मांगेंगे। अब हुआ तुम्हारे आने? देख कौन आया। किसे देख रहे हो, अपने को या बाघ को? बाघ इनको। इस साल इतना देर कहा कर दिया, हम बापू सब गांव वाले कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। अरे देर कहाँ हुई, त्योहार में तो अभी 3-4 दिन बाकी है ना। लेकिन हर साल तो 7-8 दिन पहले चले आते थे। अरे का करते, वो मुंशी तो अभी भी नहीं छोड़ रहा था। क्या किया 11 महीने तक? अरे बहुत जगह काम किया, खेत में मजदूरी की, स्टेशन पे कुलीगिरी की, PW का सड़क बनाने का काम, पत्थर तोड़ने का काम, ये है सब। नोनपुरा की बहुत याद आती थी और सबसे ज्यादा तुम्हारी याद आती थी। झूठ। अरे सच। हमरा ऐना लाए हो? हाँ हाँ लाए है ना। कंगी? अरे ऐना, कंगी, बिंदिया सभी लाए, पसंद है? अभी तक याद था। अब की तुम्हारे बापू से बात पक्की कर लेंगे। कौन सी बात? वो है, सोचा हूं अब की बहुत अच्छा नाचूंगा, एकदम असली बाघ का नाच। उसे जो कमाई होगी उसे नोनपुरा में एक घर बनाऊंगा। तुम घर में ऐना के सामने बैठ के श्रृंगार करना, मैं खेत में मजदूरी करूंगा और गांव वालों को बाघ नाच सिखाऊंगा। तुम्हें सपना देखना बहुत अच्छा लगता है ना? सपना देखना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखना ये सपना जरूर सच होके रहेगा। अरे वो देख बाघ। हाँ हाँ चल चल जल्दी चल। बच्चे मनी जा जा। मनी मनी बेटा अंदर जा बेटा, जा बेटा जा, बंद कर बंद कर। हाँ अरे जल्दी से बांधो। मनी बेटा बैठ बैठ जा बैठ जा। चंपा चंपा आई। ये असली बाघ है क्या? अरे शांत हो जा शांत हो जा। क्या क्या होगा? बाघ का खेल, एक जिंदगी और मौत की लड़ाई। कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा, और कौन? अभी लड़ोगे? अरे नहीं नहीं नहीं,
आज तो मेरा ये चीता खा पी का सो जाए, कल से खेला शुरू हो। अरे अरे ये सब गांव वाले तुम्हारे जैसे चूहा है चूहा। मैं चूहा नहीं उस्ताद, मैं शेर हूँ शेर। अरे चंपा। हाँ उस्ताद। हमारा ये चीता देखने इतने लोग आए हैं तो न जाने खेल देखने कितने लोग आए। हाँ उस्ताद, घर में कोई नहीं बैठेगा, सब हमारा खेला देखने चले आएंगे। हाँ ये तो है, सांबा उस्ताद का खेल इस पूरे गाँव में जादू कर देगा, जादू। हाँ। बापू, ए बापू, आज कोई उठेगा नहीं का? आज नाच का पहला दिन है, मंदिर नहीं जाओगे? अरे
चंपा के साथ नाच गाने प्रैक्टिस कर ले, जल्दी जा। हाँ बेबी कर रहा हूँ उस्ताद, सब ठीक हो जाएगा। खेल जमना चाहिए, समझे? जमना चाहिए। इतना कमर हिलाऊंगी ना कि गांव वाले चमक जाएंगे। इतने सवेरे सवेरे कहाँ गई थी? तुम्हें मालूम है पूर्वी मैदान में बाघ आया है। बाघ? अच्छा, जिंदा बाघ, एक आदमी पिंजरा में बंद करके लाया है। कहाँ? ये बड़ा बाघ कितना सुंदर है, चम चम चमकती आंखें, लंबी पूंछ, ठेले वाले का नाम सांबा है। कह रहा था कुछ ही दिन पहले जंगल से पकड़ा था। जानते हो बापू, आज से खेला शुरू करेगा। हाँ तो क्या हुआ, वो बाघ हमरे घुनुराम जैसे नाच सकेगा हमरे ढोल पे? इतने दिनों से लोग घुनुराम का नाच देखते आए हैं, इसी का नाच देखेंगे। वो जंगली जानवर जंगल में ही भाग जाएगा, देखना। हाँ
बाग बहादुर कुछ नया नाच दिखाओ। अब
आप देखिए बाबा उस्ताद एक जिंदा शेर यानी चीते को अपने कंधे पे उठाएंगे। हाँ, एक मौत का खेल देखिए। लड़की सुन, क्या चाहिए? कुछ नहीं। तू इधर खेल देखने आई थी? कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम बहुत हिम्मत वाला है ना। अच्छा, तू कहाँ की रहने वाली हो? इसी गांव की। क्या नाम है तेरा? राधा। राधा, कसम से क्या नाम रखा है, लेकिन तेरा कन्हैया कहाँ? अरे वो कन्हैया, तेरा वो बंसीधारी कन्हैया कहाँ है? अरे चूहा, अरे नाच नाच के देह थक गए, एको रुपया भी नहीं मिला, एक दूसरे अनाज तक नहीं। अरे अरे, आज तो पहला दिन है, पूरा महीना बाकी है। वो बाग को लोग दो चार दिन देखेंगे, उके बाद सब तुमरे पास ही आएंगे, देखना। ऐसा चलो तो महीने भर की से एक हफ्ता नहीं चलेगा। यही गांव की महीने भर की कमाई से तीन चार महीना चलता था, और साल भर का कपड़ा लगता से अलग। जानते हो चाचा, सबसे बड़ी चीज कहा है? इज्जत। इज्जत माने? साल भर चंदा जिला के एक गांव से दूसरे गांव भटकता हूं, ये पेट के खातिर मजदूरी करता हूं, कुलीगिरी करता हूं, पत्थर तोड़ता हूं, मालिक लोग की लात तक खा लेता हूं। सब में सह लेता हूं यही नोनपुरा के एक महीना के खातिर। यहां के लोग हमका पसंद करते हैं, हमारी राह देखते हैं, हमारा नाच देख के खुश होते हैं। बस यही एक महीना हमका लगता है कि हम जिंदा हैं।
हम भी इंसान हैं, हमरे अंदर भी कोई गुण है, इसी वास्ते हमारी कदर है, इज्जत है, जो कि रोटी कपड़ा से कहीं बड़ी है चाचा। हम भी साल भर कड़ी मार मार के ढोल जगाए रखते हैं कि कब वो घुनुराम आए और उसके साथ ढोल बजाएं। हमरा ये हाथ फड़फड़ाता रहता है तुमरे साथ ढोल बजाने के लिए, तुमरे साथ ढोल बजा के दिल खुश हो जाता है। ये भी एक इज्जत है चाचा, पर ना जाने काहे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। एक है दिन में सब कुछ बदल गए, ना जाने का का सोच के आ रहे। का सोचा था अब के कहीं नहीं जाऊंगा, यहां ही नूनपुरा में बस जाऊंगा। और रुक काहे गए, तुम राधा से प्यार करते हो मुझे मालूम है, मैं भी चाहता हूं कि राधा से तुम शादी कर लो, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा हो, असली बाघ का बच्चा जो हार कभी नहीं माने। तुम्हें ये बाघ ने किसने सिखाया? बाप ने। पूरे बाप को? उके बाप ने। उके बाप को? उके बाप ने। और उके बाप को? उके बाप ने। की नाच हमरे खानदान में बहुत दिनों से चले आ रहा है शिवल चाचा। सिपाही विद्रोह जानते हो का? वो का है? अरे बहुत दिन पहले हमरे देश के सिपाही फिरंगिया से लड़ाई लड़े थे, उसमें बाघ बन के नाचा करते थे हमरे पुरखे पुरनिया। नाच देख कर सिपाहियों में हिम्मत आ जाती, वो और जोश से लड़ाई लड़ते थे। बस तभी से ही नाच हमारे खानदान में चला आ रहा है। शिवल चाचा, हमारा ब्याह होगा ना? होगा। होगा। वो ब्याह से एक बच्चा भी होगा ना? होगा। अरे वो लड़का होगा ना? होगा। लेकिन चाचा, ऊ को हम ही नाच नहीं सिखाएंगे। या ये नाच अपने बच्चे को नहीं सिखाओगे? ऊ को नहीं। इतना बढ़िया नाच दुनिया से खत्म हो जाएगा। अब ये का जमाना नहीं रहा चाचा। अरे नया नया तरीका आ गया लोगों को मजा देने का। हमारा जमाना खत्म हो गया चाचा। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। कल से तुम्हारा नाच सब देखने को आए, इसके लिए गोटी बिठाना होगा। तुमार? हाँ उस्ताद। अरे बाघ को खाना नहीं खिलाया अभी तक? नहीं उस्ताद, अभी दे रहा हूँ उस्ताद। अबे उल्लू के पट्टे, उसका पेट नहीं भरेगा तो हमें भी भूखा पेट मरना पड़ेगा, जल्दी जा। ठीक है उस्ताद। का बात है, आज इतना सवेरे सवेरे उठ गए? ऐसे ही।
देख रहा है? एको साल में दे भराई तेरी। हट, पहले जैसे ही तो हूँ। अरे ना, सियानी हो गई है तू, ब्याने की उम्र हो गई तेरी। थैट। इस बार नूनपुर आते समय बहुत डर रहे थे। कहे? अगर तू नहीं मिलती तो। तू क्या सोचा हम मर गए? अरे ना, डर रहे थे कि चाचा तुझे ब्याह दिए हो तो। इसमें तुम्हारे डरने का क्या है? तू नहीं जानती का? हम्म, ये राधा का बोलो। हुआ मैना लाए थे तुम्हें देख के सजी समरी नहीं। एक बार भी सजी तो थी। अरे कब, हम तो देखे ही नहीं। कल शाम को तुमरा ही दिया हुआ सब पहन के तो गई थी। वाह, जितना सुंदर बाघ उतना ही सुंदर उसका खिलाड़ी। कौन? उहे सांबा जिसका बाघ है। तुम भी एक बार जाके देख लो, ऐसा खेल कभी नहीं देखा होगा। वो जब पिंजरा में घुस के बाघ के संग लड़ता है तो सबका कलेजा कांप जाता है। असली मर्दाना है वो, ऐसा ही मर्दाना होना चाहिए। सुनो भाई सुनो सुनो, आज बाग बहादुर बहुत बढ़िया नाच दिखाएगा। सब चले आओ उत्तरी मैदान में, तुरंत चले आओ, देर नहीं करना। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी सब चले आओ उत्तरी मैदान में, जल्दी जल्दी। दिलवाला ये बाग, लड्डू खाता दूध पीता बिस्तर पे सो जाता, जादूगर ये बाग। अरे खिलु, 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 अरे भाई क्या हुआ? अरे सुनो, चाचा मेरा पैसा। मोरा मनत नहीं खे पतिया,
कर बिगड़ल बाचालनिया। अरे एक बार गए रहे का सोए नहीं अभी तक? तू भी कहां सोया है? नींद ही नहीं आती। चलो एक बात करनी है तुम्हारे संग। सोच के देख लिया सांबा के बाग ने गांव वालों पर जादू कर दिया है। जब तक वो बाग रहेगा तुम्हारा नाच कोई नहीं देखेगा। वो बाग को खत्म करना होगा। कैसे? विष खिला देंगे। चंपा, ए चंपा, चंपा सुन जरा। क्या? तू आने जाएगी? जाऊंगी। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? वही तो रोटी कपड़ा दे रहा है। नहीं नहीं देख, तू मेरी है, तू वहां नहीं जाएगी। तू वहां छोड़। नहीं छोड़ मेरा हाथ। तू समझ क्या रखा है? बाजारू सामान कि जब जी चाहे इस्तेमाल किया। तू मेरी है, तू क्या चाहता है? मेरा शरीर चाहता है? तू क्या सोचता है? मेरी कोई इज्जत नहीं? तू अगर मुझे इतना ही चाहता है तो उसका थूक क्यों चाटता है? उसे लात मारकर मुझे ले क्यों नहीं जाता? तू मेरी है। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आओ जल्दी जल्दी, आओ जल्दी जल्दी। सामने से लड़ता है चाचा। कौन है? कौन है बे वहां पे? लगा मालिक? बहुत अच्छा। लो
चाहे जितना उछलो कूदो घुनू राम, अब नकली बाघ का नाच हम नहीं देखेंगे। चुप रहो गोपी। नकली नहीं तो और क्या, रंग पोत कर कई बाघ बनता है, जब असली आ गया तब नकली का नाच कौन देखेगा। गोपी फिर से ऐसा मत कहना, घुनू राम कोई जानवर नहीं है, एक कलाकार है। बेचारा इतने दिनों से गांव भर को नाच दिखा रहा है, आज इसका इतना अपमान करते हो। घुनू, अरे अरे क्या करते तुम लोग, क्या करते हो लोग, छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो। अरे ये छोड़ो उसको, क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ते क्यों उसको। हो गया है जो पिछले साल तुमरा नाच देख के पागल हो जाते थे, वे आज कितना बदल गए। लगता है सबने मिलकर कसम खा ली हो
कि तुम्हारा नाच नहीं देखेंगे। जान लगा के ढोल बजाया, का फायदा हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरे दिन का मेहनत बेकार, कुछ भी नहीं मिला। बस रामधारी बाबू ने ही 5 रुपया और कुछ चावल दिया, नहीं तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता। लेकिन रामधारी बाबू जैसे कितने लोग हैं। हाँ, जो बाघ को देखकर सब हमका दुत्कार रहे, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। कुछ करके दिखाऊंगा। जादू नगरी से आया कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार। जादू नगरी से आया कोई जादूगर। ये लो सारा आज का पैसा। खाई बाहर है तो जम्मू से बाल मार, तेरा इंतजार है दिया बेकरार है। अरे ये लड़की सुन सुन। अरे नहीं नहीं, तू नहीं, तू नहीं, वो वो वो, हाँ सुन। अरे दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, हियर इज द न्यूज़ रेड बाय इंद्रजीत सेन। प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टुडे अनाउंस्ड द नेवल ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा। सुन इधर, प्रोक्लेमेशन ऑर्डरिंग द ब्लॉकेड एज ही फेल्ट दैट वर्ल्ड पीस। तू इधर रोज खेल देखने आती है ना? ऑल अमेरिकन स्टेट्स काल से नोनपुरा में मैं जितना रोज खिला दिखाऊंगा तेरे लिए बिल्कुल फ्री है। हां This includes bases for तेरा टिकट नहीं लगेगा। हाँ वो चीज हम पहले देखे हैं। कौन चीज? ये Prime Minister Chow and Lai has sent a letter to Prime Minister Jawaharlal Nehru proposing a 3-point formula to end the Sino-Indian border. अरे अंग्रेजी है अंग्रेजी, बिलायती बोल, तू नहीं समझेगी। हाँ, देख, तुम लोग कहाँ से आए हो? पटना से। वो गांव है का? अरे नहीं, नूनपुरा जैसा गांव नहीं, बड़ा शहर है। हाँ, वहाँ सब कुछ मिलता है, चढ़ने के लिए मोटर गाड़ी, आकाश में हवाई जहाज, बड़े बड़े दुकान, बिजली बत्ती, सारा शहर जगमग जगमग करता है। हाँ, देखने के लिए बाइस्कोप, नौटंकी, अरे शहर में रहने की बात ही कुछ और है। वहाँ हर तरह की मजा ही मजा है। चलेगी? कहाँ गई थी तू? क्यों? जो पूछता हूं का जवाब दे। पूर्वी मैदान। आज के बाद तू वहां नहीं जाएगी। काहे? कह दिया ना, तू वहां नहीं जाएगी। वहां नहीं जाएगी तू।
इतनी सवेरे सवेरे तैयार होकर कहाँ जा रही है? पूर्वी मैदान आज नया खेल दिखाएगा कहाँ है? तुम लोगों से कितनी बार कहा कि जाके देख लो, सब गांव वाले 3-4 बार देखकर आए हैं। क्या हुआ बापू? राधा, मैं तेरा ब्याह गुनुराम के साथ ही कर दूंगा। नहीं, उसके पास है ही क्या? बापू, तुम लोगों का खाना बना दिया, जाने के पहले खा लेना। अरे ये क्या, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? एक जानवर से हार मानकर भाग जाओगे? अरे चलो चलो उठो, जल्दी से तैयार हो लो, कब से मेरा हाथ छटपटा रहा है ढोल बजाने के लिए। चलो उठो उठो उठ। तैयार हुआ? अरे अभी तक सजना शुरू नहीं किया। अरे क्या हुआ? अब हम बाग नहीं सजेंगे। नहीं सजोगे? कल तो कहा था हार नहीं मानूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ, कहा था, पर अब कोई फायदा नहीं है। आज ही यहां से चला जाऊंगा। पागल हो गए क्या? तुम्हारे पुरखा पुरनिया फिरंगियों से बाघ बनकर लड़े थे और तुम भाग जाओगे? उठो उठो। गुनुराम हुआ? बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में।
झुमका गिरा झुमका अरे झुमका गिरा हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे सैया आए लंच खाए घर में चोरी चोरी बोले झुमका मैं कहना झुमका के चोरी मैं चोरी कर दूरा चोरी लाख छुड़ाया अच्छी तरह से देख लो इस खतरनाक जानवर असली चीता है कुछ ही दिन पहले इसे जंगल से पकड़ा था अब देखना मैं तुम सबके सामने पिंजरे में घुस जाऊंगा और उसके साथ लड़ूंगा हाँ उस्ताद ठीक है ना सब ठीक है उस्ताद मेरे साथ चलो उस्ताद भाइयों और बहनों बहनों अभी खेल शुरू हो जाए हाँ भाई बहुत का खेल एक जबरदस्त खेल खतरनाक खेल बहुत खतरनाक जंगली चीता के साथ एक इंसान की लड़ाई बाबा उस्ताद की लड़ाई एक खतरनाक खेल जो इसके पहले कभी नहीं देखा होगा और न कभी सुना होगा तो इस जिंदगी और मौत के खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखने के लिए सब तैयार हो जाओ हो जाओ अभी मैं इस पिंजरे के अंदर घुस जाऊंगा हटाओ बहुत अच्छा उस्ताद सब लोग ताली बजाओ ताली बजाओ हाँ तो भाई और बहनों हमारे सर्कस का एकदम खास और जबरदस्त खेल सांबा उस्ताद अपने चीते के साथ सोए हुए उठ 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 नानी उठ अरे उठ 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 अरे चूहा उस्ताद लगता है मेरा बेटा दो चार पैसा मिले बगैर उठेगा ही नहीं हाँ ना सलाम करेगा ना किसी को नाच दिखाएगा फिर क्या करे उस्ताद फिर तो बहुत मुश्किल है तो एक काम कर सबसे दो चार पैसा मांग ले जा 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 मांग ले भाइयों दो चार पैसा करके दीजिए दीजिए मेहरबान हो जाओ दीजिए चंपा अरे मांगो मांगो पैसा मांगो हो सके दे दे मेहरबान खत्म कर दो जल्दी दीजिए पैसा दे दो दे दो अरे बंद करो ये खेल जल्दी जल्दी ये मरा बाग दिखाकर दुनिया को लूटता है तू धोखेबाज चोर अरे आओ आओ बाग बहादुर सलाम सलाम तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है आखिर इतने दिनों के बाद मुलाकात हो ही गई अरे तुमने अभी क्या कहा कि मेरा ये बाग मरा हुआ है हाँ मरा हुआ बाग है तुम्हारा और तू क्या है जिंदा बाग हाँ हम हैं जिंदा बाघ और तुम सब लोग आज ये मरा हुआ बाघ के लिए हमका दुत्कार रहे हो ये हमरी तरह नाच सकता है का नहीं ये हमरी तरह तुमसे बात कर सकता है का ये अपने तमाशा में हमरी तरह तुम्हारे सुख दुख दिखा सकता है का नहीं अरे नहीं दिखा सकता और ये तमाशा वाला अपना मरा बाग दिखाकर तुम लोगों से पैसा लूट कर चला जाएगा हमका दुत्काते हो तुम लोग हाँ छोड़ो अरे कौन जिंदा बाग कौन मुर्दा बाग ये जानना चाहते हो ऐ हिम्मत तो लड़ो हमारे बाग से तब समझेंगे कि तुम एक बहादुर हो अरे भाई रंग पोत लेने से कोई बाग नहीं बन जाता समझे हाँ लड़ूंगा जरूर लड़ूंगा अगर कुछ हुआ तो मेरा कोई कसूर नहीं हाँ हाँ ठीक है गुरु गांव वालों तुम सब गांव हो हाँ गुरु पिंजरे में मत घुसो
फायदा नहीं है। आदमी एक इज्जत लेके जीता है और वो हम खोना नहीं चाहते हैं। बापू Thank you.